आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल पालक पनीर की सब्जी। यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। आपको मनीषा आज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस शानदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पालक लिया है, आधा केजी के करीब। पालक के पत्ते तोड़ के उसे अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद गैस पे उसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। पत्ता बॉयल हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक को जार में डाल के पीस लेंगे। पालक जब बॉयल हो जाए पालक को भी हम जार में डाल लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसे भी हम पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे पालक को भी अच्छे से पीस लिया है, एकदम पतला सा इसको पीसेंगे। इसके बाद हम गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल को गर्म होता ही आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता डाल के इसे चटकने देंगे। जब ये चटक जाए इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के प्याज लिया है। प्याज डालने के बाद प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन, टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था, सारे को डाल लेंगे। इसे डाल के हम थोड़ी देर पका लेंगे इसे, इसके कच्चापन जाने तक। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच रेगुलर यूज लाल मिर्ची डालेंगे, हल्दी डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल के चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस को कर देंगे लो और इसे हम कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद ओपन करके मसाले को चला लेंगे चम्मच से और इसमें हम डालेंगे जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था, सारे इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के सारे चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसे डालने के बाद स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के चम्मच से सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद ओपन करके इसे हम चम्मच से चला लेंगे। यहाँ पे मसाले और पालक अच्छी तरह से पक चुका है। इस टाइम हम डालेंगे पनीर। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के करीब पनीर लिया है। सारे पनीर को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डाल देंगे। इसे डाल के मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे दही। मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब दही लिया है। दही से पालक पनीर में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आप दही को ज़रूर ऐड करें इसमें। इसे डालकर इसे हम चम्मच से चला के कवर कर देंगे। इसे कवर करने के बाद गैस को हम मीडियम रख के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच घी। घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे। लहसुन जब पक जाए इसमें डालेंगे 2 से 3 लाल मिर्ची। इसे डालकर इसे भी हम थोड़ा पका लेंगे। पकाने के बाद पालक पनीर के ऊपर डालेंगे। इसके बाद आप चपाती चावल के साथ एंजॉय करिए। दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।